ये दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों ये बात तो हम जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले इंसान जंगलों में या गुफाओं में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत किया करता था, लेकिन धीरे धीरे जब इंसान ने विकास की ओर कदम रखा तो ग्रुप्स में रहना शुरू किया और इंसानों ने अपने रहने के परमानेंट ठिकाने बनाने शुरू किए और एक जगह जब हजारों लोग रहने लगते तो वो एक सभ्यता का रूप ले लेती। आज हम इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन विश्व के सबसे पुराने देश कौन से हैं, इस बारे में इतिहासकारों के बीच हमेशा से ही बहस छिड़ी रहती है। कौन सा देश सबसे पुराना है, इस बात का फैसला किस आधार पर किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जब से इंसान वहाँ पर रह रहे हैं तब से उस देश का अस्तित्व माना जाना चाहिए, तो वहीं कुछ इतिहासकार इस देश में साम्राज्य या किंगडम की शुरुआत से उसका अस्तित्व मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे पुराने देशों के बारे में बताएंगे, तो चलिए अब देर न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। सैन मरीनो। दोस्तों इटली से घिरा हुआ यह देश न सिर्फ दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, बल्कि विश्व के सबसे छोटे देशों की सूची में इसका नाम आता है। इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 61 वर्ग किलोमीटर का है। सैन मरीनो की स्थापना सैंट मरीनस द्वारा सन 301 ईसा पूर्व के दौरान की गई थी। एक चर्च के द्वारा इस देश को बसाने की शुरुआत हुई थी। सैन मरीनो आज घूमने के लिहाज से एक शानदार देश माना जाता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री पर ही आधारित है। सैन मरीनो का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। 8 अक्टूबर सन 1600 के दिन इस देश का संविधान लिखा गया था। हालांकि एक स्वतंत्र देश के रूप में सैन मरीनो को मान्यता सन 1631 में मिली थी, जब पहली बार पोप ने सैन मरीनो को एक स्वतंत्र देश घोषित किया था। इस देश की एक खासियत ये है कि एक भी व्यक्ति यहाँ बेरोजगार नहीं मिलेगा। इनकी गिनती दुनिया के उन चुनिंदा देशों में की जाती है जिनका बजट सरप्लस में रहता है। यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित कई संस्थाएं काम कर रही हैं। ईरान। दोस्तों ईरान के बारे में भले ही आपको इतिहास के बारे में ज्यादा सुनने को ना मिले, लेकिन ये इतिहास के सबसे पुराने देशों में गिना जाता है। हम आपको बता दें, सन 1930 तक ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था। पर्शिया में 550 बीसी के दौरान साइरस 11 ने एकेमेनिड एम्पायर की शुरुआत की थी। 330 बीसी तक ये साम्राज्य चला था और इसके बाद सिकंदर द ग्रेट ने पर्शिया पर राज करना शुरू कर दिया था। आधुनिक पर्शिया की बात करें तो इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के दौरान की गई थी। आज ईरान कच्चे तेल और नेचुरल गैस के उत्पादन के मामले में विश्व के सबसे प्रमुख देशों में से एक माना जाता है। ईरान में हजारों साल पुरानी संस्कृति और एक समृद्ध इतिहास की झलक देखने को मिलती है। आप ईरान में ढेर सारे पुराने महल, खंडहर और हेरिटेज साइट घूमने के लिए जा सकते हैं। ईरान की 22 जगहों को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहरों का दर्जा दिया हुआ है, जो पूरे एशिया में तीसरे नंबर पर आता है। वहीं सबसे ज्यादा ऐतिहासिक धरोहर के मामले में ईरान विश्व में 11वें नंबर पे आता है। जापान। दोस्तों हमारी आज की इस लिस्ट में जापान का नाम भी आता है। कहा जाता है कि सूर्य देवी अमाटेरासु के बेटे सम्राट जिमू द्वारा जापान की स्थापना सन 660 BCE में की गई थी। हालांकि कई इतिहासकार सम्राट जिमू के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। जापान को हमेशा से ही लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता रहा है। आज तक जापान में कई एम्परर और डायनेस्टीज ने राज किया है। सम्राट जिमू के अस्तित्व को दुनिया माने या फिर ना माने, लेकिन जापान हर साल 11 फरवरी को अपना नेशनल डे मनाता है और ये दिन सम्राट जिमू को ही समर्पित है। इतिहास के दौर से ही जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो गया था और आज भी बौद्ध धर्म इस देश का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। जापान विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु बम का वार झेला है। एक ऐसा समय भी था जब एशिया के कई देश जापान के अधीन हुआ करते थे। आज जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही हम आपको बता दें कि जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यहाँ पर आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों अर्मेनिया। दोस्तों अर्मेनिया देश का नाम भी दुनिया के सबसे पुराने देशों में आता है। आज भी यहाँ पर हजारों साल पुरानी गुफाएं और पत्थर देखे जा सकते हैं। ऑफिशियल तौर पर अर्मेनिया का इतिहास 860 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों की माने तो पिछले 90,000 सालों से यहाँ पर इंसान रह रहे हैं। अर्मेनिया दुनिया का पहला देश था जिसने एक राष्ट्र के तौर पर ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। दुनिया का सबसे पहला चर्च भी इसी देश में 4वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। अर्मेनिया का इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2500 साल पुरानी पंडुलिपियों में भी इस देश के बारे में जिक्र आता है। जी हाँ, इस देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आप एक समृद्ध इतिहास देख सकते हैं। आज देश हाइकिंग एंड माउंटेन क्लाइंबर्स के शौकीन लोगों की पहली पसंद बन गया है। अर्मेनिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग शतरंज खेलने में काफी माहिर होते हैं। पूरी दुनिया में पसंद किया जाने वाला एप्रिकॉट भी अर्मेनिया की ही देन है। मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले इस देश में एक जूता पाया गया था जो लगभग 5500 साल पुराना था, जिसे माना जा रहा है कि हजारों साल पहले भी लोग यहाँ पर
एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते होंगे। इथियोपिया। दोस्तों, इथियोपिया का इतिहास वैसे तो लाखों साल पुराना माना जाता है, क्योंकि आज तक इतिहास के सबसे पुराने नरकंकाल इसी देश में प्राप्त हुए हैं। लेकिन इथियोपिया को बसाने की शुरुआत 980 BC के दौर से शुरू हुई थी। यहाँ पर सबसे पहले डीमेट किंगडम बसाया गया था। बाद में एक्सुमाइट किंगडम ने इथियोपिया में राज किया। इथियोपिया में सैकड़ों सालों से इस्लाम और यहूदी धर्म चला आ रहा है। इस देश की गिनती दुनिया के उन चुनिंदा देशों में की जाती है जिसे किसी विदेशी ताकत ने कभी भी गुलाम नहीं बनाया। हालांकि इटली के शासक मुसोलिनी के दौरान सन 1936 से लेकर 1941 तक कुछ साल के लिए ये जरूर इटली के अधीन रहा है। इसके 3000 सालों के इतिहास में कभी भी इस पर अन्य देशों की हुकूमत नहीं हुई। ग्रीस। दोस्तों, ग्रीस का इतिहास 5 से 6 हजार साल पुराना माना जाता है, लेकिन यहाँ पर साम्राज्य बसी के दौरान हुई थी। ग्रीस पर आज तक कई साम्राज्यों ने शासन किया है। एंशियंट ग्रीस के बाद रोमन ग्रीस, बाइजेंटाइन ग्रीस और ऑटोमन ग्रीस के नाम से इसे पहचाना गया। वही मॉडर्न ग्रीस की शुरुआत सन 1821 में ग्रीस रेवोल्यूशन के बाद होती है। भले ही आज तक कई शासकों द्वारा ग्रीस पर राज किया गया है, लेकिन आज भी यहाँ पर हजारों साल पुराने इतिहास की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये देश हमेशा से ही दुनिया से 2 कदम आगे रहा है, साथ ही ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे रहता है। ग्रीस ने दुनिया को मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बताया। यहाँ का आर्ट और कल्चर आज भी पूरी दुनिया में पॉपुलर है। प्राचीन समय से लेकर आज तक ग्रीस के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में कई बार परिवर्तन आ चुका है, और ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की शुरुआत ग्रीस से ही हुई थी। चाइना। दोस्तों, चीन का नाम न सिर्फ दुनिया के सबसे पुराने देशों में लिया जाता है, बल्कि यहाँ की येलो रिवर के किनारे प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। चीन में 2070 BC से 1600 BC तक जिया राजवंश द्वारा शासन किया गया था। उसके बाद शैंग डायनेस्टी ने चीन पर राज करना शुरू किया और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय तक उनका शासन चला। ये इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली डायनेस्टी भी मानी जाती है। वहीं आधुनिक चीन की बात करें तो 220 ईसा पूर्व के दौरान किन शी हुआंग ने चाइनीज एम्पायर की स्थापना की थी। चीन के लोगों ने अपने प्राचीन इतिहास, परंपरा और संस्कृति को आज तक सजो कर रखा हुआ है। सन 1970 तक चीन की गिनती आम देशों में ही की जाती थी, यानी यहाँ पर ना तो विकास की नींव रखी गई थी और ना ही उत्पादन के मामले में देश बहुत आगे था। लेकिन आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। चीन ने दुनिया को गन पाउडर, पेपर, टी, कंपास जैसे कई आविष्कार दिए हैं। इंडिया। भारत में पाई गई सिंधु घाटी की सभ्यता आज से लगभग 5 से 6 हजार साल पुरानी मानी जाती है और ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु नदी के किनारे सभ्यता की शुरुआत हुई थी और हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी साइट से पता चलता है कि वो सभ्यता काफी उन्नत और समृद्ध थी। एक राष्ट्र के रूप में भारत की स्थापना 1500 BC के दौरान हुई थी, जब देश भर में वैदिक सिविलाइजेशन की नींव रखी गई थी। कई शताब्दी तक भारत वर्ष में वेदों और पुराणों का प्रचार प्रसार होता रहा। धीरे धीरे हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर ली और हमारा देश दुनिया में अध्यात्म की भूमि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कई डायनेस्टीज और एम्परर्स ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज किया। अफगानों, मुगलों और अंग्रेजों जैसी विदेशी ताकतों ने भी भारत पर कई सालों तक शासन किया, लेकिन 1947 को असंख्य क्रांतिकारियों और बलिदानियों के दम पर भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में पहचान मिली। प्राचीन समय से लेकर आज तक हमेशा विश्व में भारत की एक अलग पहचान रही है। आज भारत विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम का नाम इस लिस्ट में सुनकर कई लोगों को हैरानी हुई होगी, लेकिन वियतनाम का इतिहास उठाकर देखें तो पिछले 20,000 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। वहीं वियतनाम में पहली सभ्यता की शुरुआत लगभग 2900 BC के दौरान हुई थी। यहाँ पर स्थित रेड रिवर के किनारे लोगों ने बसना शुरू किया था और तब से लेकर आज तक वियतनाम की ज्यादातर आबादी नदी के आसपास ही रह रही है। आज वियतनाम में 1600 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। वियतनाम सैकड़ों सालों तक चीन के अधीन रहा है। वहीं दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। 1945 में वियतनाम ने खुद को एक आजाद राष्ट्र घोषित किया। हालांकि उसके बाद भी वियतनाम ने कई युद्ध का सामना किया, जिनमें अमेरिका के साथ कई सालों तक चलने वाला वियतनाम वॉर सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। हालांकि आज वियतनाम की गिनती अच्छे देशों में की जाती है और हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वियतनाम की करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर काफी कमजोर है और यहाँ पर घूमना सस्ता पड़ता है। इजिप्ट। दोस्तों, इजिप्ट यानी कि मिस्र इस दुनिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। आज से हजारों साल पहले नील नदी के किनारे शिकार करने वाले लोगों ने एक शहर बसाना शुरू किया था और धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी। इतिहासकारों के मुताबिक 3200 BC के दौरान किंग नॉर्मन ने पहले इजिप्शियन किंगडम की शुरुआत की थी। मिस्र में दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषा के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। आज के मिस्र और पुराने मिस्र की सीमाओं में बड़ा अंतर देखा जाता है, क्योंकि इस देश पर कई राजवंशों और एम्परर्स द्वारा राज किया गया है। ऑटोमन एम्पायर से लेकर
पर्शियन अंपायर तक कई राजाओं ने मिस्र की सत्ता संभाली है। आज मिस्र अपने पिरामिड्स और ममीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। कई सालों तक अरब के लोगों ने भी मिस्र पर शासन किया और तब से लेकर आज तक मिस्र में इस्लाम समुदाय के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। आज जो मिस्र आप देख रहे हैं उसकी स्थापना इजिप्शियन रेवोल्यूशन के बाद सन 1952 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे पुराने देश। और नए देशों की बात करें तो उनमें सन 1994 में बना पलाऊ, 2002 में बना ईस्ट तिमोर, 2006 में बना सर्बिया, 2006 में सर्बिया से अलग हुआ मॉन्टेनेग्रो, 2008 में बना कोसोवो और साल 2011 में सूडान से आजादी प्राप्त करने वाला साउथ सूडान 5 सबसे नए देश माने जाते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।